दिमाग ऐसे करके घूम जाएगा और अरे अब क्या करूं मैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार। सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, आइए सॉल्व करते हैं इन वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। आज मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्यूब एंड क्यूब रूट से बेस रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब कि उसी के क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज हैं, ठीक है, एग्जाम में आने वाले हैं आपके लिए ये, ठीक है, पूरे के पूरे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 10648 किस तरीके से निकालोगे। ऑप्शन ये रहे चार, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से बताइए। कॉपी पेन लेकर के बैठो यार, बिल्कुल भी खाली नहीं बैठना है आपको, ठीक है। किस किस बच्चे के पास कॉपी पेन है जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जब भी मैं आगे सवाल करवाऊंगा किस किस बच्चे के पास कॉपी पेन है जल्दी से बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठो। देखो क्यूब रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, आंसर नंबर वन करते हैं यहाँ पर, देखिए इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में रख दो 10648। तो देखो लास्ट में 8 है, जब लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो आपको 2 से डिवाइड करना है इस पूरे को, ठीक है। 2 से कैसे डिवाइड करोगे, 2 से जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दुनी 4, 2 चौक 8, ठीक है। अब इसको भी आप देखो लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 2 दुनी 4, 1 इसको दोगे 2 छिक 12, 1 इसको दोगे 2 छिक 12, 2 दुनी 4, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करोगे आप, यहाँ पर 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना ही ये 3 से जाएगा, क्योंकि 3 की ट्रिक क्या होती है बेटा, इन सबको जोड़ करके 3 का मल्टीपल बनना चाहिए। देखो 3 3 3 6 और 2 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता। देखो अगर 3 से और 2 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 0 और 5 नहीं है, 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से किसी से नहीं हो रहा, तो देखते हैं 11 से होगा नहीं होगा। 11 की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा बेटा, जैसे 1 3 3 1 है, देखो इनको जोड़ो और इनको जोड़ो, इनको जोड़ के क्या आएगा 4, और इनको जोड़ के क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। और इनको अगर तुम घटाओगे ना, अगर 0 आता है या 11 का कोई भी मल्टीपल आता है, 11 आता है, 22 आता है, कोई भी आता है, तो ये पूरी संख्या किससे, 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो देखिए कैसे 11 से जाएगा ये, 11 से 11 एकम 11, 2 इसको दोगे क्या हो जाएगा 32, सॉरी 23, ये हो जाएगा 23, तो 11 दूनी 22, 1 इसको दोगे 11 एकम 11, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये 21 आना है, हाँ। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 11 से कितनी बार जाता है, 11 का ये स्क्वायर है, 11 से 11 बार जाएगा, फिर 11 से ये जाएगा एक बार इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए क्यूब रूट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट के लिए 2 जोड़े लेने हैं, यहाँ पर 3 जोड़े लेने हैं, तो किस तरीके से लोगे, देखो 1 2 3, अब 1 2 3 इनमें से एक एक बाहर निकाल लो, जैसे यहाँ से 2 निकाल लिए, यहाँ से 11, अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करोगे 11 दूनी क्या आ गया 22 इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कौन सा वाला है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओ जल्दी से, देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, देखो इसमें क्या है, द क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 की पावर 4 इज, अब 8 की पावर 4 का क्यूब रूट क्या होगा, मतलब कि इन सवालों को देखो, ये सवाल आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, या तो ये सवाल है ना आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, 10648 यहाँ पर क्यूब लगा दिया जाएगा और इसका आंसर बताइए क्या होगा, ऐसे भी दिया जा सकता है। और ये जो सवाल है अभी मैं बताता हूँ आपको, ये वाला जो सवाल है यहाँ पर क्या है, ये 8 है, इसको ये क्यूब रूट ऑफ √8 की पावर 4, ये ऐसे भी दिया जा सकता है सवाल, और आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है सवाल, ये यहाँ पर क्यूब लगा दिया जाएगा 8 की पावर 4। भाई साहब अगर ऐसे सवाल दे दिया ना, मैं बता रहा हूँ आपका दिमाग ऐसे करके घूम जाएगा, और अरे अब क्या करूँ मैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार, यहाँ पर इस तरीके से दे दी ना यार, शर्ट भी दे रखा है यहाँ पर, पावर भी दे रखी है, तो अब क्या किया जाए, है ना। तो इस तरीके से सोच में पड़ सकते हो आप, तो लेकिन आपके कुणाल सर के होते हुए आप क्यों सोच में पड़ रहे हो। सबसे पहले मैं इसको आपको आपके तरीके से करके बताऊंगा, फिर अपने तरीके से बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से भी दिया जाएगा आपको सवाल, तो आप देखिए किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लेने की सोच करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही अभी तक सीखा है, तो देखिए उससे भी निकाल के दिखाऊंगा, थोड़ा और भी दिमाग लगाएंगे इसमें, ठीक है। देखिए कौन सा आंसर आसान होता है, सबसे पहले मैं आपके तरीके से करता हूँ, ठीक है, आंसर करते हैं। चलो देखो अगर आप यहाँ इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप इस तरीके से लिखेंगे जरूर, 8 की पावर × 4 बार लिखोगे ऐसे करके, ठीक है, ये 4 बार हो गया, ऐसे लिखोगे। अब क्या करोगे, इनकी गुणा करेंगे आप,
ठीक है, आप इनकी गुणा करेंगे, सिंपल सी बात है, आप इनकी अगर गुणा करोगे तो आ जाएगी इसका 4996, ठीक है, 4996 आ जाएगा, ठीक है, 4996, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे इनकी, तो मतलब ये इस तरीके से लिखा जाएगा ऐसे 4996। फिर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करोगे, जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करोगे तो किस तरीके से करोगे, दो से इसकी एलसीएम लेना चालू कर देंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पर दो दुनी चार जीरो, यहाँ पर दो चौक आठ, फिर ये दो दो अट्ठे सोलह, फिर दो से करोगे दस बार ये जाएगा, दो बार ये जाएगा, चार बार ये जाएगा, फिर दो से ये पाँच बार जाएगा, एक बार जाएगा और ये दो बार जाएगा, फिर दो से ये कितनी बार जाएगा, पाँच, दो दुनी चार, एक इसको दो पंजे दस, एक इसको दो छक्के बारह, फिर दो से ये कितनी बार जाएगा, दो एकम दो, दो दुनी चार, दो अट्ठे सोलह, ठीक है, फिर दो से ये दो छिक बारह, दो चौक आठ, फिर दो से ये कितनी बार जाएगा, 32 बार, ठीक है, फिर ये दो से ये कितनी बार जाएगा, 16 बार, फिर दो से ये 16 कितनी बार जाएगा, दो से 16 जाएगा 8 बार, ठीक है, फिर दो से दो अट्ठे 16, फिर दो से ये 4 बार, फिर दो से ये 2 बार, फिर दो से ये 1 बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब आपने क्या करना है, पहले भी मैंने आपको बताया था तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, आप फिर तीन तीन के जोड़े बनाओगे, यहाँ पर इस तीन के जोड़े, ये वाले तीन के जोड़े, फिर ये तीन के जोड़े और ये वाले तीन के जोड़े, एक दो तीन चार, तो एक एक इनमें से बाहर ले लोगे तो आप सिंपली क्या करने वाले हो, यहाँ पर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो करोगे, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी 16, तो 16 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर है। देखो ये करा है आपने इस तरीके से, आपने अपने तरीके से करा है यहाँ पर 16। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं यहाँ पर देखो एक ट्रिक बताता हूँ आपको, ये मैंने इतना लंबा आपके लिए करके दिखाया है, वरना मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूँ इसका, ठीक है, 16 होगा, कैसे होगा, देखिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिया, ये क्या लिखे हैं, तीन जोड़े हैं ना, ये तीन जोड़े हैं, तीन जोड़े का मतलब दो दुनी चार दुनी आठ हो गया, दो दुनी चार दुनी आठ हो गया, दो दुनी चार दुनी आठ हो गया, ठीक है, दो दुनी चार दुनी आठ, दो दुनी चार दुनी आठ, सबका मतलब आठ है ना, तो यहाँ पर आठ लिखा हुआ है, इनमें से हमने से एक एक दो बाहर लिया है, अब यहाँ से अगर मैं दो दो बाहर ले लूँ, यहाँ से अगर मैं दो दो बाहर ले लेता हूँ तब भी बेटा मेरे पास ये ही तो आएगा, कुछ इस तरीके से ही तो बनेगा, दो दुनी चार दुनी आठ दुनी 16, तो समझ में आया आपको, यहाँ पर आप सिंपली ऐसे भी बता सकते थे 16 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर बेटा ये मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 16 आंसर। अगर जो आपको सवाल पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करो, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, और ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ध्यान से पढ़ता हूँ मैं आपको, और आपको सुनना है और सॉल्व करना है, ठीक है, बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर 270 विल बी मल्टीप्लाइड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, तो आपको बताना है कि 270 को, ये वाला क्वेश्चन मैं थर्ड बता रहा हूँ आपको, 270 को आपको ऐसा कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से क्या मल्टीप्लाई करना है जो कि एक परफेक्ट क्यूब बने, तो वो कैसे होता है, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल लीजिए, अगर आप इसको दो से करोगे तो ये जाएगा आपका कितनी बार, दो एकम दो, दो तिया छः और दो पंजे दस, ठीक है, फिर ये देखो पाँच और तीन आठ और एक नौ, तीन से चला जाएगा, तीन चौक बारह, एक इसको दोगे तीन पंजे पंद्रह, अब भी तीन से जाएगा ये पंद्रह बार, और तीन से जाएगा पाँच बार, और पाँच से जाएगा ये एक बार, ठीक है। अब देखो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होता है, हमें जोड़े चाहिए होते हैं, जितने भी यहाँ पर नंबर दिए होते हैं, देखो तीन का तो जोड़ा है लेकिन हमारे पास दो के नहीं है और पाँच के नहीं है, दो के कितने नहीं है, दो दो बार नहीं है हमारे पास, और पाँच दो बार नहीं है, पाँच गुणा पाँच, तो आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पाँच पंजे पच्चीस दुनी पचास दुनी सौ, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 100, जिसकी मल्टीप्लाई अगर आप इस नंबर में करते हो तो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 270 की गुणा मल्टीप्लाई करोगे 100 में तो क्या आ जाएगा, 27000। अब देखिए मैंने आपको बताया था ये किसका होता है क्यूब, ये तीन का होता है, अगर तीन जीरो है तो एक बार ले लो तो 30 का हो जाएगा क्यूब, तो वैसे फाइनल आंसर तो इसका 100 है, और इसमें ऑप्शन तो मैंने लिखे ही नहीं है, ऑप्शन सी है 100, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है ना, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, जल्दी से बेटा कॉपी पेन लेकर के बैठना है आपको और सवाल को सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर बैठो, सिलेक्शन आपका पक्का है क्योंकि अब की बार SOSC पार, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की, अगला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, व्हाट विल बी द
वैल्यू ऑफ क्या होगी, ये वाला सवाल दे रखा है इसमें, तो ये आ गया इस तरीके से, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये दे रखा है आपको इस तरीके से, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, मैंने स्क्वायर रूट वाले में भी बताया इसको, ठीक है। कैसे आप करेंगे इसको देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप इसकी क्या करो, यहाँ पर देखो ये कुछ नहीं दे रखा ना, कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखो इसका स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर रूट है जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में, ये आपका 12 का स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ये पूरा सवाल यहीं चलेगा, क्यूब क्यूब यहीं रहेगा, 32 प्लस इसमें आ जाएगा 1012 प्लस क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब इसमें 12 को अगर आप प्लस करते हैं तो इस तरीके से बन जाएगा हमारे पास, ये 32 प्लस 12 24 हो गया, क्या हो जाएगा, रूट 10 24 हो गया, ठीक है, 10 24। अब देखो 10 24 किसका स्क्वायर होता है जल्दी से बताइए, 10 और 24 किसका स्क्वायर होता है, 32 का, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्यूब तो यही रहेगा, क्यूब ये तो 32 यही रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, 32 यहाँ हो जाएगा। अब 32 32 क्या होता है बेटा, 64 होता है, क्यूब यही रहेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 64। अब देखिए 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 64 किसका क्यूब होगा, सिंपली आप बता सकते हैं 64 किसका, 4 चौक 16 16 चौक 64, तो 4 का होगा क्यूब, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 4th का और क्वेश्चन नंबर ये 4, मतलब कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ए में हैगा यहाँ पर 4, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो आइए स्टूडेंट्स और करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2197। देखो क्यूब रूट निकालना है सिंपली आपको, इसका क्या करना है आपको, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में रखना है। इसका आंसर तो यार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दो, अगर मैंने इसे सॉल्व करवा दिया ना तो ये मानो कि यार बिल्कुल ही जीरो वाली बात हो जाएगी, और ये मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। बाकी मैं इसी टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ, आपको क्या करना है सिंपली कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। सेम यही है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 191125, ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, मैंने आपको मेथड बता दिया है, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए इनके। जो बच्चा देख रहा है कॉपी पेन लेकर के बैठो बेटा, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है, आपको सिंपली क्या है कॉपी पेन लेकर के बैठना है और आंसर बताना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343। यार मैं क्या ही बताऊँ, इतने आसान सवाल दे रखे हैं ना ये तो, आप सच बता रहा हूँ, आप ऐसा करो यार, तुम कुछ भी करो, पेन फेंको कॉपी फेंको आई डोंट नो, लेकिन जरूर इसको करो, फेंको फाड़ो कुछ भी करो, मुझे आंसर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ आंसर चाहिए, वरना तो देखो दिल टूट सकता है सर जी का, तो बिल्कुल ही यहाँ पर ध्यान रखिए। 8वें क्वेश्चन में क्या है, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392, क्या बेटा 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। आपको क्या करना है, ऐसा कौन सा नंबर होगा स्मॉलेस्ट जिससे आप 392 की मल्टीप्लाई करोगे और एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, सिंपली इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में रखो, जो जोड़े नहीं बन रहे उसके हिसाब से जोड़े बनाइए। इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन भी आपको करवा रखा है, क्वेश्चन नंबर 3, उसी के बेस पर आपको करना है, उसको देखा होगा तो आप ये भी कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर स्किप करके आ गए हो तो पीछे जाकर क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो, इसका भी करके दिखाओ, और 9वें में भी सेम है, बस आपको क्या करना है डिजिट चेंज करनी है, इसकी जगह पर 3087 और क्या करना है डिवाइड करना है, आपको क्या करना है डिवाइड, तो क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब निकालना है, बस डिवाइड करना है यहाँ पर, जो स्मॉलेस्ट नंबर आएगा इससे डिवाइड कर देना, तो देखते हैं कौन आंसर बताता है कमेंट बॉक्स में, करेक्ट आंसर कौन बताता है, इसका स्मॉलेस्ट नंबर बताना है बस। इवेल्यूएट रूट लग रहा है 15 के स्क्वायर पर प्लस 8 के स्क्वायर पर, और फिर यहाँ पर क्यूब है बाहर, तो किस तरीके से होगा याला मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, लेकिन देखते कौन बच्चा इसका आंसर मुझसे पहले बताता है, मुझसे पहले कौन इसका आंसर बताता है, तो देखते कौन है वो बच्चा। तो बेटा थंब के साथ अपने आंसर को भेजो, अगर समझ में आ रही है वीडियो को थंब भी दो, लाइक भी करो, थंब्स अप हिट द थंब्स अप बटन, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पर, सिंपली आप क्या करो यहाँ पर देखो इस तरीके से रूट लगाइए यहाँ पर, और इसका देखो ये क्या है, ये 15 किसका स्क्वायर होता है 225 का होता है, फिर प्लस 8 किसका होता है 8 8 64 होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इसका क्यूब भी दे रखा है हमें। अब ये दोनों अगर जोड़ेंगे तो आप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 5 4 9, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, रूट में क्या आ जाएगा 5 4 9 आ जाएगा, और 2 8 2 6 8 हो जाएगा, और 2 का 2 रहेगा 289 का क्यूब। अब देखिए 289 किसका क्यूब होता है जल्दी से बता, 289 यहाँ पर कुछ नहीं है तो स्क्वायर माना जाएगा, तो 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का,
अब 17 का क्यूब मुझे फटाफट से बता दो इसका आंसर क्या होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 17 का क्यूब बेटा क्या होता है, 17 का क्यूब होता है बेटा 4913, क्या होता है 4913, ठीक है, इट इज द करेक्ट आंसर, आपको समझ में आ गया होगा। 10वें का करेक्ट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा आपका, 4913 बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आपको ये भी समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। 10 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट्स में करवाऊंगा मैं आपको, जल्दी से इन क्वेश्चंस को पूरा करो और अपने सिलेक्शन को अपने हाथ में लो, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को जरूर जरूर और जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, आपके लाइक और सब्सक्राइब से आपको पता है क्या, कुणाल सर को इतना मोटिवेशन मिलता है कि बस आप मानिए कि आपके लिए वीडियो बनाने का मन बहुत करता है। और अगर आप कमेंट्स में बोलते हैं ना कि सर समझ में आ गया मेरे को, और जो भी आपकी अच्छी अच्छी कमेंट होती हैं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यार मुझे कमेंट करके परेशान मत किया करो यार, भर भर के कमेंट करो, आप भर भर के कमेंट्स करो, मेरे को तो मज़ा हो रहा था यार आपकी कमेंट पढ़ने में, सच बता रहा हूँ मैं। एक बच्ची है वो आई थिंक प्रिया नाम की है, तो उसने वो एक उसको करके कुछ बोला था, वो पता नहीं क्या इंस्पायर हो गई उससे, तो दैट इज़ ऑल्सो जस्ट आई स्पीक एंड जस्ट यू नीड टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा यार, हर एक गरीब बच्चे के पास भी जानी चाहिए वीडियो, ताकि जो जिसके पास ट्यूशन के पैसे नहीं है वो आराम से इसको भी पढ़ सके, ठीक है, देख ले वीडियो को और सॉल्व कर सके क्वेश्चंस को। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी अगले पार्ट में मिलते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में जल्दी से ही अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।